लिए अपने को क्या क्या चीजें चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, गाड़ी, मोबाइल, ये तो बहुत जरूरी हो गए। लेकिन ये सब पाने के लिए करना क्या है? कोई ना कोई काम। और काम करने के लिए क्या चीज चाहिए? थोड़ा तेज बोलो, स्किल, हुनर, हाथ में हुनर चाहिए। और हुनर कहां से मिल रहा है? जस्ट ऑटो से मिल रहा है। दूसरा भी तरीका है हुनर लेने का, किसी भी गैरेज पे जाकर के काम करो। 4-5 साल लगते हैं, क्योंकि चाहे अपने फादर का भी गैरेज हो तो वो पूरा टाइम आपके पास में ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि मेन कंसर्न उनका ये होता है कि यार जो ग्राहक की गाड़ी आई है उसको निकालना है। तो आपको किस काम में लगाए रखते हैं कि बैटरी निकाला, पाना लिया, वो गाड़ी की सर्विसिंग कर, ये ग्राहक आने वाला है, चाहे वो मैकेनिक हो चाहे फादर हो, किसी के भी साथ में ये प्रॉब्लम है। तो हर जगह जब आप हुनर लेने के लिए जाते हो किसी जगह पे, गैरेज पे, तो आपको 4-5 साल लग जाते हैं। कोई भी कॉलेज, आईटीआई या वहाँ पर ऐसा होता है कि आपको एक सेट तरीके से नॉलेज दी जाती है, पर एक्चुअली क्या हो जाता है कि वो नॉलेज इस तरीके होती है कि एक कोर्स बना दिया, बंदर को भी पेड़ पे चढ़ना सिखा रहे हैं, मछली को भी सिखा रहे हैं, हाथी को भी सिखा रहे हैं। रिक्वायरमेंट सबकी अलग है, मछली को तैरना है, हाथी को कुछ और करना है, तो आप लोगों की रिक्वायरमेंट अलग है। तो जस्ट ऑटो में आप एक स्पेसिफिक, किसी को 2-व्हीलर की ट्रेनिंग लेनी है तो वो 2-व्हीलर की ट्रेनिंग लेने आए। कार के अंदर किसी को मैकेनिक की ट्रेनिंग नहीं लेनी है, कोई बात नहीं, उसको सिर्फ इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग लेनी है। वो पिछले 10-15 साल से मैकेनिक का काम कर रहा है लेकिन नई गाड़ियों में फंस रहा है, तो उसको कौन सी ट्रेनिंग लेनी है? इलेक्ट्रिशियन की लेनी है। जो ऑलरेडी इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा है उसको चाहिए कि मेरे को ECM रिपेयर करना है, कोडिंग करनी है, प्रोग्रामिंग करनी है। तो हमने हमारे प्रोग्राम्स के मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं, वो मॉड्यूल से आप लोग यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए आए हुए हो, तो हुनर तो आपके हाथ में आ गया। कई लोग 8वीं पास है, कई लोग 10वीं पास है, कई लोग 12वीं पास है, कुछ लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कुछ इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं। तब अपने पास में जब इतनी चीज़ें हो गई, उसके बाद में क्या रहता है कि कोई एक फॉर्मल सर्टिफिकेट एजुकेशन का मिल जाए। अब तक अपने पास में क्या था कि उसके लिए अपने को किसी ITI में जाना है तो 2 साल जाना पड़ेगा, कॉलेज में जाना है तो कम से कम 3 साल जाना पड़ेगा, रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी, उनका जो कोर्स दिया है वो करना पड़ेगा, चाहे वो कोर्स आपके इस काम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और उसके बाद में एग्जाम दे करके आप उसके डिग्री के हकदार बनते हो पास करके। गवर्नमेंट ने इसको सोच कर करके ये BVOC, बैचलर ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स को बनाया, कि जो हुनर आप ले रहे हो, जो काम कर रहे हो, जिसको करते करते आपने आधी जिंदगी निकाल दी हो, तो उसके अंदर आपको कोई ना कोई एक सर्टिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि उस्तादों के उस्ताद आप बन जाते हो। अगर किसी ने एक हाथ में हुनर ले लिया और 3 साल तक किसी गैरेज पे काम कर लिया, आप में से सब लोगों मेरे हाथ में मेरे को बताओ कि अगर आपने यहाँ पे ये ट्रेनिंग ले ली है जिसमें आपने महारत हासिल कर ली और 3 साल गैरेज पे काम कर लिया, तो उस्तादों के उस्ताद बनोगे कि नहीं बनोगे? थोड़ा लाउडली बनोगे ना। तो जब उस्तादों के उस्ताद बन गए तो हाथ में एक कोई डिग्री पेपर कुछ हाथ में आना चाहिए। तो ये एक आपके लिए एक जरिया बहुत अच्छा है। मैडम ने खोज खाज के निकाल कर करके, उनसे बात कर कर करके आपके लिए एक काफ़ी अच्छा रास्ता निकाला है। गवर्नमेंट ने उसमें मदद की है, हम लोगों का ये काम है कि हम उसको ढूंढें और आप लोगों को उस रास्ते पे लेकर के आएँ। प्रोसीजर वगैरह जो है वो सब मैडम बता देंगे आपको आगे से क्या करना है, लेकिन इससे होने से फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं, एक नौकरी करनी है चाहे धंधा करना है। धंधे करने के अंदर मैं आपको बताता हूँ, एक बच्चे का भी मैं लोन एप्लीकेशन फॉर्म भर रहा था, कौन सा यहाँ पे है क्या पीछे बैठा हुआ है उसका तलपड़े, तो गवर्नमेंट की प्रधानमंत्री योजना है जिसमें 5 लाख रुपए तक का लोन मिल रहा है, सब्सिडी मिलती है 20-25%, 35% भी मिलती है अगर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हो। सब्सिडी का मतलब उतना पैसा आपको कम कर भरना है, 5 लाख गवर्नमेंट ने दिया, आपको 4 लाख भरना है, प्लस इंटरेस्ट जो भरना है वो तो भरना ही है। उसके लिए उन्होंने एक स्कोर बनाया कि आपको लोन दूं कि नहीं दूं, तो कुछ चीज़ें उसमें रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप 20 साल से कम की एज के हो तो आपको 2 ही मार्क्स मिलेंगे, 20 से 25 की हो तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे,
25 से 50 के बीच में हो तो आपको वापस से 2 मार्क्स मिलेंगे। मतलब एक गवर्नमेंट चाहती है कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप वाले इसको करें। उसी तरह शिक्षा के अंदर में आपने 8वीं से कम है तो 0 मार्क्स हैं, 8 से 10 है तो 2 मार्क्स हैं, 10 से 12 है तो 4 मार्क्स हैं, 12 से ऊपर है कॉलेज वगैरह है तो 5 मार्क्स हैं। इस तरह के कई सारे क्राइटेरिया और भी हैं, आपका घर है कि नहीं, आपके पास में दुकान है कि नहीं, आपने कोई सर्टिफिकेट लिया कि नहीं लिया, स्किल सर्टिफिकेट लिया कि नहीं, और इन सब से एक मार्क्स बनते हैं। अगर वो 50% से नीचे आपको लोन के हकदार नहीं हो, उससे ऊपर बनते हैं तो कितने बनते हैं उसके हिसाब से बैंक को कंफर्टेबल आ जाता है। उसके 78 मार्क्स आए तो कोई भी बैंक उसको करने में इंटरेस्टेड हो जाएगा, क्योंकि उसने अपना एक अच्छा चेहरा दिखाया उसके अंदर में कि हाँ मेरे पास में स्किल भी है, मेरे पास में शिक्षा भी है, मेरे पास में एक मेरे को प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बना ली है मैंने, मेरे को मेरे घर भी है, मैंने एक दुकान भी खोज के रखी है, इस तरह की कई सारी चीज़ें मिलकर के। तो ये जो आपको सर्टिफिकेट है ये इन सब चीज़ों में काम आएगा, किसी भी जगह लोन लेने के काम में आएगा। आप अगर अपनी अच्छी एक दुकान बना करके रखते हो, इस तरह के एक अच्छा सा वो बना के रखते हो और उसमें लगा के रखोगे तो ग्राहक भी आपकी इज्जत करेगा कि यार ये ग्रेजुएट लड़का है और ये ट्रेनिंग लिया हुआ है, इसका सर्टिफिकेट है, तो इसके जाऊंगा तो मेरे को सही राय और सही रिपेयर मिलेगी। तो हमारा जस्ट ऑटो का मकसद सिर्फ यही है कि आपको एक सही रास्ता दिखा करके इस लेवल पे पहुंचाएं कि आप बहुत अच्छा कमाएं, और हमारे इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक, गूगल पे जाकर के लिखें कि सर जब मैं आया था तो ये जानता था, आज मैं ये जानता हूँ और इतना कमा रहा हूँ। भले इतना कमा रहा हूँ मत लिखना, कोई लाख रुपए लिखेगा तो दूसरे कई लोग जलने वाले भी आ जाएंगे लाख रुपए कमाने लग गया, हालांकि हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि अगर आप लाख रुपए कमाते हो तो इससे बेहतर हमारी ज़िंदगी में और कुछ नहीं है। और यकीन मानो हर एक जने की कैपेबिलिटी यहाँ पर इतनी हो चुकी है, ये नहीं है कि 2 महीने में 3 महीने में 4 महीने में जादू हो जाएगा। थोड़ा सा मेहनत आप करोगे, इस लेवल पे पहुंचोगे, और जिस दिन आप कोई 50,000 लाख रुपए कमाना शुरू करो, जरूर हमें एक मैसेज करो कि सर मैंने इतना कमाना शुरू कर दिया, ताकि हमें भी कुछ खुशी मिले। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट टू यू।